यूपी बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक कराने के उद्देश्य से आगरा के एक स्कूल में पहुंचे चार फर्जी मजिस्ट्रेट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना इरादत नगर के श्री माता वैष्णो देवी इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान चार फर्जी मजिस्ट्रेट बनकर पहुंचे और परीक्षा पेपर को लीक कराने के उद्देश्य से स्ट्रांग रूम में रखे प्रश्न पत्रों की जांच करने के लिए केंद्र व्यवस्थापक पर दबाव बनाने लगे, लेकिन केंद्र व्यवस्थापक को मजिस्ट्रेट बनकर आए चारों व्यक्तियों पर शक हुआ और उनसे एनसीआरबी के फुल फॉर्म पूछी जिसको वे बता नहीं पाए। इसके बाद केंद्र व्यवस्थापक ने पुलिस को बुला लिया और कड़ाई से पूछताछ करने पर सारे मामले का खुलासा हो गया। इरादत नगर में चार लोग एक नई बलेरो गाड़ी जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं है उस पर भारत सरकार जिला मजिस्ट्रेट और एनसीआरबी लिखा हुआ है ऐसे गाड़ी से वहां पहुंचे और उन्होंने वहां स्ट्रांग रूम खोलने के लिए कहा। वो प्रश्न पत्र देख चेक करना चाह रहे थे तो इस पर उन्हें वहां पर जो पुलिस फोर्स तैनात थी उनके द्वारा रोका गया और केंद्र व्यवस्थापक को सूचना दी गई। केंद्र व्यवस्थापक वहां आए, पुलिस और व्यवस्थापक ने वहां पे उनसे पूछताछ शुरू की। पुलिस के आला अधिकारी को बताया गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला अधिकारी को बताया गया, मौके पर DIOS भी आए और फिर पूरे पूछताछ में ये सामने आया कि ये लोग फर्जी हैं और इन लोगों के पास किसी प्रकार का आई कार्ड नहीं है, किसी भी प्रकार का औचित्य नहीं है जिससे कि वो उसको चेक कर सकते हैं। उन्हें पकड़कर इरादत नगर थाना लाया गया है जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और व्यवस्थापक के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है।